नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर कहा, भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। प्रदेश सरकार ने G20 सम्मेलन की बैठकों के लिए तैयारियां तेज की। प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी 11 बैठकें। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच होगी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। सीएम योगी ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत गाजीपुर के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कहा, मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का भी वहन करेगी प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ 18 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण के आयोजक बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी हैं। खेल महाकुंभ में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलों के जरिए बस्ती और उसके आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि बीते 8-9 वर्षों में स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे सांसद के साथी भाई हरि द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गत 8 वर्षों में देश और दुनिया ने एक नए भारत के दर्शन किए हैं। भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इसका भारत के बढ़ते कद का परिचायक है। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है।
और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव गांव में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा मार्गदर्शन एवं विशेष प्रयास से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ श्रेणी प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को NAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त होना निश्चय ही गर्व की बात है, क्योंकि NAC द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य के साथ साथ समग्र व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है। राज्यपाल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणादायी है, इसलिए विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षण एवं कार्य व्यवस्था की गुणवत्ता उत्कृष्ट करने के प्रयासों को उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने तक निरंतर जारी रखना चाहिए। प्रदेश सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। 13 से 15 फरवरी के दौरान लखनऊ में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज लखनऊ के जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखनऊ समेत प्रदेश में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों की जानकारी दी। प्रदेश में कुल 11 G20 की बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें वाराणसी में 6, आगरा में 3, लखनऊ में 1 और ग्रेटर नोएडा में 1 बैठक की जाएगी, जिसमें लखनऊ में होने वाली बैठक वर्किंग ग्रुप से संबंधित है, जो पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के नोडल विभाग इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। यहां भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार द्वारा 1/12/2022 से 3/11/2023 के मध्य आयोजित है। G20 का एक महत्वपूर्ण समूह है जिसमें दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। सामूहिक रूप से G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा शामिल करते हैं। इस दौरान G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा शिखर सम्मेलन एक विभिन्न स्तरों पर मंत्री स्तरीय, शेरपा, वरिष्ठ अधिकारियों, गैर आधिकारिक, साइड इवेंट और सेमिनार्स के माध्यम से 200 से अधिक बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का वहन भी प्रदेश सरकार करेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने कुशीनगर में बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से हुई किसान की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए।
नेपाल विमान हादसे में मारे गए चारों गाजीपुर निवासी युवकों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को तत्काल देने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्टाम्प शुल्क पंजीयन एवं निबंध मंत्री रविन्द्र जायसवाल को पीड़ितों से मिलने के लिए भेजा है। गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका खौरी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर सरकारी खर्च पर पीड़ितों के परिजनों को काठमांडू नेपाल भेजा गया है। समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 18 से 28 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में हो रहा है खेल महाकुंभ। खेल में छिपी प्रतिभाओं को कैसे मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म, गांव के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में कैसे बना सकते हैं अपना बेहतर भविष्य, इन सभी के लिए देखिए आज शाम 6:30 चर्चा कार्यक्रम में सिर्फ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद की अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। कोरोना से मुकाबले के लिए टीकाकरण अभियान को फिर से रफ्तार दी जा रही है। शासन से मांग के बाद लखनऊ को 42,700 कोविशील्ड वैक्सीन आवंटित कर दी गई हैं। आज से लखनऊ के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण शुरू होगा। 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा के साथ टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण की सुविधा रहेगी। पहचान पत्र लाना होगा जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, DL शामिल हैं। लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सांस्कृतिक नगरी काशी से रवाना हुआ रिवर क्रूज MV गंगा विलास सोमवार शाम को बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया। मंगलवार को इस पर सवार विदेशी सैलानियों ने नगर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। सुबह पर्यटक पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पाटलिपुत्र के सांसद राम कृपाल यादव और पटना की मेयर सीता साहू सहित स्थानीय नागरिकों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। I would like to suggest to every tourist to come here and enjoy the beautiful time, the very happy, welcoming and warm people of India, and it's an amazing experience you can get only in here. It's something unique, and I would like to really recommend everybody to come here. India, it's so an emotional land, and I feel so good here, and it touches my heart every day. गंगा विलास पर सवार विदेशी सैलानियों ने मंगलवार को पटना के ऐतिहासिक गोलघर का भी भ्रमण किया। गोलघर का भ्रमण करने के बाद सैलानी खुश दिखे और पटना के लोगों की तारीफ की। A lot of people, it's very warm welcome. It's great.
गंगा विलास के विदेशी सैलानियों ने पटना स्थित बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को भी देखा। उत्तर प्रदेश में अगले महीने 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। इसको लेकर जगह जगह रोड शो भी हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मंत्री भी सहभाग कर रहे हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पिछले सप्ताह दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट का रोड शो हुआ था, जिसकी प्रतिक्रिया उम्मीद से ज्यादा अच्छी थी। लगभग 5 गुना ज्यादा लोग आए थे, उसमें राजनयिक और एम्बेसडर भी थे। कई तरह की कंपनियों के प्रतिनिधियों और व्यापारियों ने भी मीटिंग होती रही और सबको अपने अपने क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा दिखी। उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति और बदले हुए परिवेश ने दिल्ली इन्वेस्टर्स को काफी प्रभावित किया है। बनारस में हमारी रेशम की और बनारसी साड़ियों का जो काम होता है, जरी जरदारी का जो काम हमारे विभिन्न क्षेत्रों में बुंदेलखंड सहित होता है, इन सारे कामों में हमें वैल्यू एडिशन की और भी बेहतर करने का स्कोप है। इन सारे प्रोडक्ट्स को दुनिया के मार्केट में कैसे हम उजागर करें, कैसे हम इसको और मजबूती से लेके जाएं, इन सारी व्यवस्थाओं में इन्वेस्टमेंट की और मार्केटिंग की और पुख्ता इंतजाम करने की के काफ़ी स्कोप है। उन सारे बातों पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, जिसका सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 7000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग उपायुक्त ने कहा कि जिले में कुल 78 उद्यमी निवेश करेंगे। 300 करोड़ के सापेक्ष हमने 402 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इंटेंट भी हो गया है और एमओयू भी जारी हो चुका है। उसके अलावा अन्य विभागों का टारगेट अलग अलग है, लेकिन जो हमें सूचना मिली है कि 78 उद्यमियों ने यहाँ पे इंटेंट डाला है, जिसमें 60 एमओयूज बन चुके हैं। एमओयूज के हिसाब से 5231 करोड़ का इन्वेस्ट सारे विभागों ने करवाया है, जिसमें 6826 लोगों को रोजगार मिलेगा जनपद मिर्जापुर में। कि गरीब जो दिन ढलने के बाद 12 बजे के बाद वो औने पौने रेट में रेट अपने फसल को बेच के चले जाते हैं और अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं, वो हमारे कोल्ड स्टोर में कंट्रोल एटमॉस्फेयर CA चैम्बर में रखेंगे और अगले दिन सुबह ही दिन स्टार्ट होने से पहले ही निकालेंगे और उसको फ्रेश ताज़ा सब्जी मिलेगी, ऐसा प्लान है। उसमें हमें लगता है कि 35 से 40 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना प्रबल है और आगे अगर मैं इसको स्टार्टअप को आगे बढ़ाता हूँ और पूर्वांचल लेवल में ले जाता हूँ तो 500 से 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलने की। चित्रकूट में औद्योगिक विकास के लिए टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। जिले में 128 इकाइयों से 11428 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें टुस्को वरुण बेवरेज MBM मोटर्स प्रमुख हैं। मनु गुप्ता डायरेक्टर MBM मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्लांट लगाया है, 8 से 10 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। यहां 2 पहिया और 3 पहिया वाहन का उत्पादन किया जाएगा। इसमें 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर जिले के 17 इन्वेस्टर्स को MOU प्रदान किया गया। तमाम प्रोजेक्ट बन करके जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम मॉन्यूमेंट, किले और बहुत सारी प्राचीन कालीन मंदिर और उनके खंडावशेष हैं, जिनको सुरक्षित करने और उसको एक अच्छे प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। निश्चित रूप से पर्यटकों का आवागमन यहाँ बढ़ेगा। एक मौजूदा सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, इनके कार्यों की वजह से लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा पल है और उस बड़े पल के हम लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। यहाँ जनपद चित्रकूट में इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया था और 11184 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है अभी तक के MOU, और जिला प्रशासन इसमें कटिबद्ध है कि इनको हम धरातल पर उतारेंगे और भी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अलीगढ़ में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व अन्य समस्त प्रतिनिधि व अधिकारीगण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में 305 इकाइयों द्वारा 13,500 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उद्यमियों एवं निवेशकों द्वारा दिए गए। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सरकार उद्यमियों के लिए निवेश का बेहतर माहौल विकसित कर रही है। आज एक बदला हुआ प्रदेश है, एक नया उत्तर प्रदेश है, जहां पे कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और हमारे निवेशकों को उनके अनुसार पॉलिसी में भी आज अमेंड किया जा रहा है कि हमारे निवेशकों के अनुसार उनको किस तरह से लाभ हो सकता है। आज उनकी जरूरत के अनुसार आज उत्तर प्रदेश अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट कर रहा है। तो आने वाले समय में ये हमारी इन्वेस्टर समिट एक सफल इन्वेस्टर समिट बने, हम सब लोगों का प्रयास है कि इस इन्वेस्टर समिट में जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा फरवरी माह में, हम सब इसको एक सफल इन्वेस्टर समिट बनाते हुए अपने योगदान से प्रदेश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में अपना योगदान देंगे। 125 करोड़ का एमओयू साइन किया, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। उस योजनाओं को कार्यवत करने के लिए हम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्सटाइल डायमंड प्रिंटिंग यूनिट लगाएंगे। की सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। अलीगढ़ पहले से काफी कुछ अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता कि बहुत ज्यादा अच्छे बड़े काम यहाँ पर हुए हों, तो हमारी सोच थी कि यहाँ पर एक अच्छी टाउनशिप लेकर आई जाए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। अलीगढ़ में इन्वेस्टर समिट में ईडीए का जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल जितने कमिटमेंट्स हमारे पास आए हैं वो लगभग 2347 करोड़ के आए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कमिटमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, और भी लोग हैं जो इस आयोजन के उपरांत या इस आयोजन की खबर के उपरांत फैसिलिटेट होने के लिए ईडीए से संपर्क कर रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये लगभग 3000 करोड़ तक जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रेरित होकर इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह नजर आ रहा है। गोरखपुर के नवल्स नेशनल एकेडमी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से हम लोगों को काफी मोटिवेशन मिलता है और परीक्षा का तनाव कम होता है। हमारे साथ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर बच्चों को देना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाने वाले बच्चों को देना चाहते हैं, और डेफिनेटली उनका ये प्रयास हमारे बच्चों के आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब वो बोलते हैं कि परीक्षा को त्यौहार की तरह मनाया जाए, तो उनका मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रेस लिए बगैर हम परीक्षा की तैयारी करें। बच्चे को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भी उनके साथ खड़ा हुआ है इस परीक्षा में, तो उन बच्चों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें कभी परीक्षा को बोझ की तरह नहीं समझना चाहिए और उसे एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। हमें उसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और पूर्ण साहस के साथ उसे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस नए पहलू की वजह से परीक्षा पे चर्चा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हमारी मदद करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें एग्जाम्स के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा करने से हमारे अंदर उत्साह के साथ साथ मनोबल में काफी वृद्धि हुई है। परीक्षा को लेकर जो डर पहले बना रहता था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है और हम परीक्षा को एक त्यौहार के रूप में देखकर बड़ी आसानी से परीक्षा देते हैं। I want to thank Mr. Prime Minister Narendra Modi for having such a for having a program like Pariksha Pe Charcha to motivate student and give a mentorship. बच्चों से वो इस तरह बात करते हैं कि मतलब एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, तो जो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये बहुत
बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स के टाइम पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं बोर्ड्स को लेके, तो तरह तरह की चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी मिलती है और हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होता है हमारा। हर बच्चे के जीवन काल में परीक्षाएं आती रहती है, तो जब भी एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन फियर, ये चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल मैंने खुद ये जाना कि एक अच्छा बच्चा भी अफेक्ट होता है एग्जामिनेशन डेज में, तो वो जो मनस्थिति है उसको समझने के लिए और उस स्थिति को संभालने के लिए जरूरी है कि खुलकर समाज में ये बात होनी चाहिए कि हाँ एग्जाम आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, तो हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। जौनपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं ने शहर में स्कूटी रैली निकाली। रैली को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन स्मिता वर्मा, बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिलाओं ने सभी को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। रैली के जरिए स्कूटी चलाने वाली महिलाओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया, उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक होने के संदर्भ में हर नागरिक का कर्तव्य है कि जागरूक हों, परिवहन के बिहेवियर को हम चेंज करें, तभी जाके जो आने वाले समय जो दुर्घटनाएं सड़क के संदर्भ में हो रही हैं परिवहन में, वो दुर्घटनाओं की आवृत्ति कम होगी। इसी संदर्भ में परिवहन विभाग, एआरटीओ मैम है, बेसिक शिक्षा विभाग, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग मिलकर हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को लखनऊ से शुरू हुई विवेकानंद यात्रा गाजीपुर होते हुए काशी पहुंच गई है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विवेकानंद स्मारक के 50 वर्ष पूरे होने पर यह यात्रा निकाली जा रही है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात लोगों को इस यात्रा के माध्यम से बताई जा रही है। विशेष तौर से युवाओं को तथा जन जन को बताया जाएगा। विवेकानंद के विचारों को युवाओं और जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो कन्याकुमारी में बना हुआ है, 1972 में बना, वो उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में पूरे देश भर में स्वामी जी का संदेश यात्रा निकल रहा है कि विवेकानंद ये चाहते थे कि मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को साकार किया जाए। आज वो समय आ चुका है कि इस संदेश के द्वारा हम युवाओं को, प्रबुद्ध वर्ग को और जन जन को इस संदेश द्वारा जागृत करेंगे, ऊर्जित करेंगे और अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए उनको आगे बढ़ाने का संकल्प। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ, कहा ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। प्रदेश सरकार ने G20 सम्मेलन की बैठकों के लिए तैयारियां तेज की। प्रदेश भर में की जाएंगी 11 बैठकें। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित होगी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। सीएम योगी ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत गाजीपुर के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा, कहा मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का भी वहन करेगी प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार, मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।